Imbricate. नेक्स्ट है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट. इस पे क्वेश्चन इस बार पीएमटी में आया था. डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी. डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी वीई एक्स आई डबल एल ए आर वाई. मदर एक्सेस बेटा, हम फ्लावर का जब हम डाइसेक्शन करते हैं, जब हम फ्लावर को एक स्टडी करते हैं, तो उसको विद रिस्पेक्ट टू स्टेम हम देखते हैं, भी यहाँ से अटैच्ड है तो वो वाली साइड मदर एक्सेस हम लेते हैं. पोस्टीरियर पार्ट जो है दैट इज टेकन एज मदर एक्सेस. ठीक है, लिख लो पहले द पोस्टीरियर पेटल इज ओवरलैपिंग. Is overlapping the two lateral petals. Which further overlaps, the two anterior petals. This is पोस्टीरियर पैटर्न. ये है लेटरल पैटर्न और ये भी लेटरल पैटर्न है. दीज आर एंटीरियर पैटर्न. ये क्योंकि ज्वाइंट होता है. ठीक है, एंड दिस इज करेक्टरिस्टिक फीचर. This is characteristic feature of subfamily Papilionaceae. This is characteristic feature of subfamily Papilionaceae of family Leguminosae. ऑफ फैमिली लेग्यूमिनोसी. पेपिलियोनेसी में लिख लेना पी फैमिली. मटर पाइसम सेटाइवम. ठीक है जी, तो हमने कौन कौन सी एस्टिवेशन की. वी हैव डन वॉल्वेट एस्टिवेशन, वी हैव डन ट्विस्टेड एस्टिवेशन, देन क्विंक्विशियल असेंडिंग इम्ब्रिकेट एंड डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट. इज इट ओके? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कार्पल और पिस्टल. हाँ जी बच्चे, बनाना है बना लो. बस ज्यादा एग्जाम्पल उतनी की लिखवाऊंगी जितने की तुम याद कर सको. जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मीन्स जो पूछी जाती है और जो तुम याद कर सको. सबकी लिखवा दूंगी तो सब कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कहोगे मैम याद नहीं होता. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा गाइनेशियम. गाइनेशियम सिंगल यूनिट इज
पिस्टिल और कार्पल। पठानकोट करो फोकस बच्चे, पिस्टिल और कार्पल। इतने प्यार से जो मैं मॉर्फोलॉजी है ना वो तुम्हें ही करा रही हूँ, नहीं तो मॉर्फोलॉजी तो हम करते ही नहीं है क्लास में, हम तुम्हें भी लास्ट में ही कराई होगी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा रिसीव्स पोलन ग्रेन्स। स्टाइल इट प्रोवाइड्स पैसेज फॉर पोलन ट्यूब। ओवरी has ovules, ovary has ovules, the stigma it can be sticky or it can be dry and feathery, it is either sticky or it can be dry and feathery. Style it can be hollow or it can be solid. Ovary it can be apocarpus means free carpels or free ovary, or it can be syncarpus. तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इधर फोकस करो, ओवरी के लिए हम क्या यूज करते हैं टर्म्स, मोनोकार्पेलरी ओवरी। मोनोकार्पेलरी मीन्स सिंगल कार्पल। फिर है मल्टी कार्पेलरी, मेनी कार्पल्स। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी और मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी। हम बेटा बात ओवरी की इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब थोड़े टाइम बाद स्टिग्मा और स्टाइल तो खत्म हो जाते हैं, हमें सिर्फ ओवरी पार्ट ही नजर आता है, तो हम कार्पल में किस चीज की मेन बात कर रहे हैं, ओवरी की बात कर रहे हैं। मल्टी मोनोकार्पेलरी में सिंगल ओवरी, ठीक है, और मल्टी कार्पेलरी ओवरी का क्या मतलब है या मल्टी कार्पेलरी कंडीशन का क्या मतलब है, दैट इज मेनी कार्पल्स। मेनी कार्पल्स, मेनी कार्पल्स जब है तो ओवरी जो है वो फ्री है, एपोकार्पस मीन्स फ्री ओवरीज।
और सिन कार्पस मीन्स फ्यूज्ड ओवरीज. एक मिनट बेटा, पहले मुझे थोड़ा सा बता लेने दे, फिर बताना. फ्यूज्ड जब ओवरी है, बहुत सारे कार्पल्स है और ओवरीज फ्यूज्ड है, तो दे मे बी यूनिलोक्यूलर. एक बड़ा सा उन्होंने चैम्बर बना दिया है, सारी ओवरीज फ्यूज होकर उन्होंने बड़ा सा चैम्बर बना दिया है, तो दैट इज यूनिलोक्यूलर. और दूसरा कौन सा है, दैट इज मल्टीलोक्यूलर, दैट इज मेनी चैम्बर्स. जितनी ओवरीज है उतने ही चैम्बर्स है. ठीक है, लिख लो पहले ये, अभी बताएंगे. ठीक है जी, तो हमने क्या बताया है कि ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है. तो लिख लो जरा, ओव्यूल्स आर अटैच्ड, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द ओवरी, टू द वॉल ऑफ द ओवरी by its stalk, by its stalk called as funiculus, called as funiculus. The ovary wall with which ovules are attached, ovules are attached is called as placenta, is called as placenta. ओवरी के अंदर वो भी सारे होते हैं, चला जाओ अभी हम सब गए. अब हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स. टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, पहले हम टिपिकल ओव्यूल देख लें और उसके पार्ट्स देख लें. This is a typical ovule which is called as orthotropous or straight ovule. पांच पांच बार ये कल मुझे बना के दिखाने हैं आपने, फाइव टाइम्स. ठीक है, हर टाइप के तभी याद होंगे. ये देखो ओव्यूल के अंदर ये क्या है, ये इसकी वॉल लेयर्स है जिसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स. ये नीचे इसकी स्टॉक है, अभी बताया मैंने आपको फ्यूनिकुलस. ये अंदर जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल है, इट हैज न्यूसेलस. द पार्ट ऑफ द ओव्यूल विच इज नॉट कवर्ड by the integument is called as micropyle. Micropyle के opposite जो end होता है, always the end opposite to micropyle is called as chalaza. End opposite to micropyle. Funiculus is stalk of ovule. Integuments are wall of ovule. और micropyle आपको पता है. ठीक है, तो orthotropous ovule अगर आपको याद होगा तो हमने gymnosperms में बताया था कि the characteristic ovule in the gymnosperms is orthotropous ovule or straight ovule. इसका क्या मतलब है, micropyle, chalaza,
एंड फ्यूनिकुलस आर इन सेम लाइन. माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकुलस आर इन स्ट्रेट लाइन. अगर हम यहाँ पे कंपास रखें और इस ओव्यूल को अगर हम घुमा दें 180 डिग्री पे तो ये कैसा बन जाएगा? इन्वर्टेड ओव्यूल. This is Chilasa. Micropyle and funiculus. When the micropyle come near the funiculus, it is called as anatropos or inverted ovule. When the micropyle comes near the funiculus, it is called as anatropos or inverted ovule. नेक्स्ट है, अगर ओव्यूल को 90 डिग्री पे घुमाया जाए व्हेन द माइक्रोपाइल इज एट 90 डिग्री to the funiculus, it is called as hemianatropos. Is at 90 degree to the funiculus, it is hemianatropos. When the ovule is curved, when the ovule is curved and at an angle and at an angle other than 90 degree, it is called as कौन सा था? कैंपाइलोट्रोपस. इट इज कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल. When the ovule is curved to form horseshoe shaped structure,
टू फॉर्म हॉर्सशू शेप्ड स्ट्रक्चर. When the ovule is curved to form horseshoe shaped structure and also has curved embryo sac. अंदर जो embryo sac है वो भी curved है. And also has curved embryo sac. It is called as एम्फीट्रोपस ओव्यूल. हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इट्स एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो कर्व्ड. इट इज कॉल्ड एज एम्फीट्रोपस ओव्यूल. और स्टार डाल के लिख लेना है फर्टिलाइज्ड राइप ओव्यूल्स. फर्टिलाइज्ड राइप ओव्यूल्स आर कॉल्ड एज सीड्स. फर्टिलाइज्ड राइप ओव्यूल्स आर कॉल्ड एज सीड्स. वेयर एज दूसरा पॉइंट लिख लो राइपन्ड ओवरी वॉल इज कॉल्ड एज पेरिकार्प और फ्रूट. राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड एज पेरिकार्प और फ्रूट. डायग्राम्स अभी तुमने बनाए नहीं. आयो रब्बा कौन से रह गया बना लो जल्दी से बना लो जो रह गया. बना लिए रजत बना लो बना लो. और यहाँ पे आपने एनाट्रोपस के नीचे लिख लेना है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म्स. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म्स. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा अटैचमेंट ऑफ स्टाइल. टाइप्स ऑफ कार्पल बेस्ड ऑन द अटैचमेंट ऑफ स्टाइल विद द ओवरी. Types of carpels based on the attachment of style with the ovary. This is terminal style.
दिस इज लेटरल स्टाइल. टर्मिनल स्टाइल, लेटरल स्टाइल, दिस इज गाइनोबेसिक स्टाइल फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी. गाइनोबेसिक स्टाइल व्हेन द स्टाइल अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी. टर्मिनल स्टाइल एग्जाम्पल लिख लो, पिटूनिया. पिटूनिया लेटरल स्टाइल एग्जाम्पल है मैंगो, मेंजीफरा. और तीसरा है गाइनोबेसिक स्टाइल, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली लेमिएसी, ऑसिमम फैमिली, तुलसी फैमिली. सच एज एग्जाम्पल्स कौन सी है इसकी, साल्विया. Another is ऑसिमम, तुलसी. साल्विया, साल्विया को साल्विया ही बोलते हैं. Another is ऑसिमम. Next हम आ जाते हैं बेटा प्लेसेंटेशन. नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी. इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी. और हम एक और डिफाइन कर सकते हैं द नंबर पोजीशन, द नंबर कॉमा पोजीशन कॉमा अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओव्यूल्स, ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी, inside the ovary is called as placentation, is called as placentation. तो पहले आ जाइए बेटा marginal placentation. और याद रखो मटर, मटर के जो हम pods लेके आते हैं उसमें जो placentation ovules कहाँ पे नजर आते हैं, जो उसके अंदर seeds है आपके, वही ovules है. वो एक ही पॉइंट से मतलब एक ही सूचर से अटैच्ड है, उसको हम कहते हैं वेंट्रल सूचर. आगे से तो हम मटर खोलते हैं, वो है डॉर्सल सूचर, और जहां पीछे से वो अटैच्ड है सीड्स उसको हम कहते हैं वेंट्रल सूचर. और उसमें प्लेसेंटेशन कौन सी है, दैट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल